नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के उतरने की जो उम्मीद है अब वो तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 2 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इन 2 उपचुनाव में जो अपनी सीटें हैं उसको अलग कर ली है। आपको जैसे कि पता होगा कि आरजेडी से खफा कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और उसके बाद घोषणा होते ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो अभी अभी कन्हैया कुमार शामिल हुए हैं कांग्रेस में। जैसे ही शामिल हुए स्टार प्रचारक उनके नाम आ गए और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और खबर ये है कि 19 तारीख को कन्हैया कुमार जो है वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक 19 अक्टूबर से प्रचार मैदान में कूद जाएंगे। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 21 को कन्हैया कुमार कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा करेंगे। वहीं पार्टी ने मंगलवार को ही दोनों सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए स्टार प्रचारकों की जंबो जेट वाली सूची तैयार कर दी है, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कन्हैया कुमार, जिगेश मेवानी, हार्दिक पटेल, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार प्रचारकों के नाम हैं। पूर्व में 16 अक्टूबर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम शुरू करने की पार्टी ने योजना बनाई थी, लेकिन दुर्गा पूजा को देखते हुए इसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। पार्टी विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बताया है कि स्टार प्रचारकों के प्रचार के बीच पार्टी का इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में और उन इलाकों में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक कर बात करने का भी कार्यक्रम है। गांव के महत्वपूर्ण लोगों के बीच बैठ कांग्रेस के नेता उन्हें आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस द्वारा देश और राज्य के विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। वहीं इस दौरान मोदी सरकार आने के बाद देश और यहाँ के लोगों को हुई परेशानियाँ, देश की संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचने, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर भी लोगों से बात कराएंगे। वहीं अजीत शर्मा कहते हैं कि 20 के बाद कन्हैया समेत पूरे और दूसरे नेता प्रचार की कमान को संभाल लेंगे। बता दें कि खासकर कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर महागठबंधन में ही पेच फंस गया है। इस सीट पर राजद के साथ ही कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यहां मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी यहां चुनाव प्रचार करने आएंगे। ऐसे में यहां चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। तेज प्रताप के सामने कन्हैया जब मैदान में होंगे तो मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। तो साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तकरार इस वक्त छिड़ी है और खास तौर पर वो कुशेश्वर स्थान को लेकर है। ऐसे में खबरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव आएंगे और इन सीटों पर चुनावी प्रचार को करेंगे। वहीं कांग्रेस में अभी अभी नए नवेले शामिल हुए कन्हैया कुमार, जो कि इस वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले स्थान पर रहते हैं, ऐसे में जब वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ लालू प्रसाद और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, आखिर जीत किसकी होगी। ये तो जनता के हाथ में है, वही सब कुछ तय करेगी। लेकिन इन दोनों विधानसभा सीटों पर जिस तरह से दोनों महागठबंधन के बीच तकरार और रार आई, उसमें राजनीति की परिकाष्ठा और परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।